27 और 28 अगस्त को दिल्ली के होटल ताज में मानसिंह में झारखंड सरकार की ओर से इमेजिंग झारखंड का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में 27 अगस्त की शाम 4 बजे से बिजनेस टू गवर्नमेंट होगी। सरकार इस बार इन व्हीकल पॉलिसी भी ला रही है। ई व्हीकल पॉलिसी इस बार गवर्नमेंट ला रही है। बी2जी मीटिंग में दुनिया भर की प्रतिष्ठित वाहन निर्माता कंपनियां शामिल होंगी। इसमें प्रमुख रूप से महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, होंडा, ट्रेसल, टोयोटा जैसी तमाम कंपनियां इस में हिस्सा लेंगी। सभी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। सरकार इन कंपनियों को राज्य में इन व्हीकल निर्माण के लिए आमंत्रित करेगी। सरकार ई व्हीकल पॉलिसी भी ला रही है, इसके लिए भी उनसे राय ली जाएगी। बता दें कि झारखंड सरकार में इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 बनाई गई है। इसे निवेशक सम्मेलन में लॉन्च किया जाएगा। इस नीति में राज्य में उद्योग लगाने पर कई प्रकार की सब्सिडी और छूट का प्रावधान किया गया है। 27 को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टाटा स्टील सेल NTPC के साथ राज्य के औद्योगिक विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनकी विस्तारित परियोजनाओं के मुद्दे पर भी बात करेंगे। रात में CM सभी आमंत्रित उद्यमियों के साथ डिनर भी करेंगे। 28 अगस्त को CM की उपस्थिति में 3 से 4 बड़ी कंपनियों के साथ MOU भी होने की संभावना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, अमर। अमर, आज का दिन बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है झारखंड के लिए। क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल हेमंत सरकार की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है, राज्य के लिए है और युवाओं के लिए है। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से जो इन्वेस्टमेंट हो राज्य में, इन्वेस्टर आए और इन्वेस्ट करे ताकि रोजगार का सृजन हो। और रोजगार के सृजन के बाद मतलब होता है कि वहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार आदमी हैं, उनको एक रोजगार मिलेगा ताकि वो बाहर ना जा सके, राज्य में ही उनका जो एक हो। यही वजह है कि लगातार ये कोशिश हो रही है कि इससे पहले भी दिल्ली में उन्होंने इन्वेस्टर मीट किया था, उन्होंने जो उद्योगपतियों से मिला था, उनका कहना यह है कि आप आइए यहाँ पर झारखंड में सब कुछ अवेलेबल है, चाहे आप लोहा लें, लो अयस्क लें, कोयला लें, पानी लें, तमाम चीज़ें हैं जो आपको उद्योग लगाने में सहूलियत होगी और सरकार खड़ी होकर के आपका जो है उद्योग लगाएगा और चलवाएगी भी। अब मोटर्स, ई मोटर्स व्हीकल का जो एक प्रमोशन के लिए कह सकती हैं या फिर उनको लुभाने के लिए हेमंत सोरेन खुद दिल्ली आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि सभी जितने भी मोटर्स की कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो, टोयोटा हो, मारुति हो, तमाम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है कि आप आइए हमारे यहाँ, जो आप देखिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टाटा जो पूरे वर्ल्ड का एक मोटर व्हीकल के रूप में जो है विख्यात है और वो झारखंड से ही उनका तमाम काम होता है, तो वो एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव है और सभी कंपनियों को वो चाहते हैं कि वो वहाँ आए और अपना उद्योग लगाए ताकि राज्य को भी राजस्व का जो फायदा होगा और राज्य को जो राज्य में जो युवा हैं उनको फायदा होगा। 27-28 यानी 2 दिन का ये प्रोग्राम है। ऐसे कल रात में ही वो आ चुके हैं हेमंत सोरेन और आज ये कहा जा रहा है कि वो लंच पे कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे जिसमें मीडिया कर्मी भी होंगे। तो उनकी कोशिश है कि वहाँ पर किसी भी तरह से जो है लोगों को आमंत्रित करके वहाँ पर उद्योग लगाया जाए ताकि राज्य में राजस्व हो या फिर युवाओं को जो है नौकरी दी जाए। इसी कोशिश में लगातार वो लगे हुए हैं। देखना ये होगा कि जब 28 तारीख को जब यहाँ से तमाम मीटिंग समाप्त होगी तो क्या राज्य सरकार को कितना मिलता है, कितना मुनाफा होता है, कितने लोग जाने के लिए वो एग्री होते हैं। पिछले बार तो काफी हद तक वो सफल रहे थे, इस बार वो कितना सफल होते हैं? बिल्कुल, इस बार कितना सफल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो खास बातचीत होगी इन्वेस्टर्स के साथ, उसमें और क्या कुछ खास बात होगी? जैसा कि आपने बताया कि झारखंड में सब कुछ है, यहाँ के इन्वेस्टमेंट करने की बात होगी। आपने ये भी बताया कि कई कंपनियां जो हैं, जो मोटर बनाती है, मोटर व्हीकल बनाती हैं, वो भी वहां पे होंगे। और क्या कुछ यहाँ पे बातचीत होगी?
देखिए ये जो बातचीत का दो दिन का जो कार्यक्रम रखा गया है, कहा यह जा रहा है कि जो 27 तारीख है उसमें ओपन आप जितने भी लोग हैं वो आप बात कर सकते हैं। खुद यहाँ पर उद्योग सेक्रेटरी यहाँ मौजूद रहेंगे जो पूजा सिंघल हैं, वो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी यहाँ मौजूद रहेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे और उद्योग मंत्रालय के जो भी लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। जो भी आपके मन में या जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे मोटर्स ई मोटर्स के लेकर के वो प्लांट लगाना चाहते हैं झारखंड में, उनके मन में जो भी सवाल होगा सभी सवालों का निदान किया जाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी कोई भी कंपनी किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले वो मुनाफा देखता है, जगह देखता है कि अगर हम झारखंड में लगाते हैं तो झारखंड के किन राज्यों में किन जिलों में हम लगाएं जो हमारे लिए ज़्यादा फायदा होगा। सरकार के लिए एक पॉजिटिव ये है कि वहाँ पर एक विश्व स्तर का जो कंपनी मोटर्स व्हीकल बनाने वाली कंपनी है टाटा मोटर्स, वो वहाँ पर मौजूद है। टाटा लीलन जो है वो वहाँ मौजूद है, अशोक लीलन वहाँ मौजूद है। तो जिन जो कंपनी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए एक रोड मैप तैयार है ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी टाटा जो है अपना काम कर रही है। अब ऐसे मारुति हो, टोयोटा हो या तमाम तरह के जो रेंज रोवर हो या फिर BMW हो, ये तमाम तरह के जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर शिरकत करने के लिए आएंगे तो उनके जहन में होगा कि हम टाटा के साथ कैसे कंपटीशन कर सकते हैं और सरकार हमारे लिए किस तरह से मदद कर सकती है। क्योंकि जब तक सरकार मदद नहीं करेगी कोई भी कंपनी वहाँ जाना नहीं चाहेगी। वो चाहती है, सबसे बड़ी बात है कि वो सुरक्षा चाहती है और वो चाहती है कि जो हमारा जो माल वहाँ पर तैयार हो उसको सभी जगह के बाजारों में किस तरह से भेजा जाए, कि रोड की सुविधा है या नहीं है या फिर आप कार्गो की व्यवस्था है या नहीं है, ये तमाम चीज़ देखने के बाद ही कोई भी कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है। और अगर ये तमाम चीज़ जो हम बता रहे हैं या फिर जो जो कंपनी के जहन में है अगर वो सब चीज़ को अगर देखे तो मुझे लगता है कि झारखंड में ये तमाम चीज़ अवेलेबल हैं और इस आधार पे वहाँ पर लोग काम कर सकते हैं, कंपनी काम कर सकती है जिसके जो उसके लेकर के ये लगातार ये कोशिश की जा रही है। इतनी कोशिश मुझे पिछले सरकार की अगर बात करें उससे पिछले सरकार की बात करें इन्वेस्टर को लुभाने के लिए इतनी कोशिश नहीं की गई थी। अगर इनका ये युवा है और इनको लगता है कि अगर हम उनके दो कदम आगे बढ़ते हैं तो कंपनी हमारे साथ भी चलने को तैयार हो गए, क्योंकि हमारे राज्य में सब कुछ है और इसे अगर हम फलीभूत करते हैं लोगों को आकर्षित करते हैं तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर आएंगे, ऐसा कोई दिक्कतें नहीं होगी होनी चाहिए। पिछले बार भी जब हमने बात किया था जिस तरह से रोड मैप बिल्कुल तैयार कर लिया गया है और खुद CM वहाँ मौजूद हैं और एक दिन पहले से वहाँ पहुंचे हुए हैं और अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बातचीत होगी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो जो इन्वेस्टर हैं उन्हें लुभाने में सफल होंगे और झारखंड की सूरत एक बार फिर से बदलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। रांची DC छवि रंजन के खिलाफ प्रशासनिक और अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। प्रमंडलीय आयुक्त ने अनुशंसा की गई है। रांची DC के कोर्ट से एक साल में पारित आदेशों की समीक्षा की अनुशंसा की गई है। DC ने विनोद कुमार सिंह के काल बाधित रिवीजन पिटीशन की सुनवाई की है। DCLR के फैसले के करीब 15 माह बाद DC कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन दाखिल किया था। प्रमंडलीय आयुक्त ने हेहल के अंचलाधिकारी की भूमिका भी संदेहास्पद करार दिया। DC कोर्ट में और भी नियम विरुद्ध आदेश पारित किए जाने की आशंका है। DC ने विनोद कुमार सिंह के पक्ष में जमाबंदी कायम करने के आदेश दिए हैं। DC ने अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग किया। प्रमंडलीय आयुक्त जमीन पर घेराबंदी पर हुए खर्च की वसूली श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया से करने की अनुशंसा की। DC ने 150 जवानों और दंडाधिकारियों की नियुक्ति कर जमीन की घेराबंदी करवाई थी। जमीन के खेल में DC अपनी शक्तियों का दुरुपयोग क्यों करते हैं?